नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल खाटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज। दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और हिट कर दिएगा बेल आइकन, ताकि आने वाले रोज सुबह जो मैं 7:30 बजे आपके लिए क्लास लेकर आता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, डेली सुबह 7:30 बजे इसी चैनल पर आपके लिए डेली सेशन लेकर आता हूं और 8:10 पे आपका सेशन होता है MCQs का, जो कि होता है अनअकैडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ सेशन होता है, आज भी होगा 8:10 पे। ओके, सो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कोड यूज करना चाहते हैं, ओके, सो ये यूज कर सकते हैं आप कोड zinni10। किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ओके। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी आप में से काफ़ी लोग कल लेने की सोच रहे होंगे, कि बिकॉज 1 तारीख है, काफ़ी लोगों का होता है कि 1 तारीख से लिया जाए। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इस कोड को प्लीज़ यूज़ कर लीजिएगा और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। दैट विल बी द गुड, ओके। 3 महीने या 6 महीने के लिए आपको हो सकता है थोड़ा सा बाद में लगे कि सर कम टाइम के लिए ले लिया, तो इसलिए आपको जो सबसे सस्ता पड़ेगा वो 12 महीने का पड़ेगा, राइट। और इस क्लास की पीडीएफ आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके मिल सकती है। साथ ही साथ आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है कपिल खाटपाल के नाम से, जनरल अवेयरनेस विद कपिल खाटपाल। 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ये भी आपको पीडीएफ यहां पर डेली अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहली न्यूज आप सभी के सामने आई है यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स ने आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस 174 मिलियन US डॉलर का आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है 64 कंट्रीज को, जिसमें से 2.9 मिलियन डॉलर्स आपका इंडिया को देने की बात की है। 2.9 मिलियन US डॉलर इंडिया को देने की बात की गई है, ओके। सो दिस इज द 2.9, सो यहाँ पर ये जो 2.9 मिलियन इंडिया को दिया जाएगा आपका, ये आपका इंडिया को दिया जा रहा है। जो ऑलरेडी इन्होंने आपका 100 मिलियन US डॉलर दिया था, उसके अलावा ये पैसा दिया जा रहा है, ओके। 2.9 ये 174 मिलियन डॉलर इससे एडिशन में है आपका, ओके। ऑलरेडी वो जो दिया गया था USA के द्वारा वो तो है ही, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट किया गया है USA के द्वारा। दिस और इंडिया को 2.9 मिलियन दिया जाएगा, ताकि इंडिया यहां पर उसके लिए प्रिपेयर हो सके, लैब सिस्टम एस्टेब्लिश कर सके टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सपोर्ट के लिए एंड मेडिकल सुविधाओं के लिए, ओके। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन अमाउंट पूछी जा सकती है। 174 मिलियन पहले दिया था 100 मिलियन डॉलर, इंडिया को कितना मिला है 2.9 मिलियन US डॉलर, इसमें से इंडिया को आपका मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप, कोरोना कवच इसका नाम है। कोरोना कवच नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है एंड इसको डेवलप किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ये दोनों की दोनों मिनिस्ट्रीज के द्वारा इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। और बेसिकली ये ऐप आपको एक पर्सन की लोकेशन को एक्सेस करेगी और उसको बताएगी कि आप कौन से जोन में है। आप एक हाई रिस्क जोन में है, जहां पर आपका कोरोना वायरस, यहाँ पर आपका कोरोना से इन्फेक्टेड लोग अवेलेबल हैं नहीं है, सो ये उस तरह से आपको बताएगी। सो इसमें आपका वन कलर विल आइडेंटिफाई अ यूजर हु हैज नेवर कम इन कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड अनदर विल इंडिकेट इफ अ यूजर इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। सो ओके, आपको अलर्ट करेगी आपके लोकेशन के बेस पर कि आप एक हाई रिस्क जोन में हैं या नहीं है। सो ये ऐप लॉन्च की गई, नाम है कोरोना कवच। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है। मिनिस्ट्री 2 मिनिस्ट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा 2 मिनिस्ट्रीज हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दूसरी आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, ओके। नेक्स्ट न्यूज आपकी DRDO से आई है। DRDO ने डेवलप किया है बॉडी सूट टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स फ्रॉम द कोविड-19। कोविड-19 पेशेंट्स को जो डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं उनको आपका प्रोटेक्ट करने के लिए DRDO ने एक बॉडी सूट बनाया है आपका, डॉक्टर्स के लिए. ओके सो ये बॉडी सूट उनको हेल्प करेगा फॉर देयर मेडिकल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट्स ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स. और इसको ये सूट आपका वॉशेबल है, पास किया जा चुका है STM इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के द्वारा. एंड इस तरह के सूट की जो कीमत है वो 7,000 रुपये है. एंड इसको बनाया जा रहा है फ्रंटियर प्रोटेक्टिव वियर प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता एंड मेडिकिट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के द्वारा, जो कि 10,000 सूट्स पर डे आपका बनाती है. सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से कि हाल ही में एक बॉडी सूट बनाया गया है इंडिया की कौन सी एजेंसी के द्वारा. राइट आंसर DRDO रहेगा. कौन सी फैक्ट्रीज में? फ्रंटियर प्रोटेक्टिव वियर एंड द मेडिकिट प्राइवेट लिमिटेड. कितनी कॉस्ट है? 7,000 रुपये इसकी कॉस्ट है. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है DRDO का. सतीश रेड्डी इसके चेयर पर्सन है. ओके नेक्स्ट चलते हैं. ICICI बैंक ने रोल आउट किया है बैंकिंग सर्विसेज ऑन WhatsApp. ओके WhatsApp पे आप जस्ट एक नंबर है उस पे आप हाई लिख के भेजिए. Just you have to type a hi from their registered mobile number to the bank's verified profile number in order to start. Okay, so यहाँ पर आप अपने balance को check कर सकते हैं, saving account balance को check कर सकते हैं. Last 3 transaction आपको बताई जाएंगी. Credit card के limit, इसमें आपके जो loan के offers हैं, credit card, debit card को आपको block, unblock करना है. इस तरह की आपकी सुविधाएं यहाँ पर available करवाएगा. ICICI बैंक ने roll out किया banking services on the WhatsApp. ओके सो यहाँ पर ये किया गया है. एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, हाल ही में कौन से बैंक ने रोल आउट किया बैंकिंग सर्विसेज ऑन WhatsApp और ये सुविधाएं आपकी प्रोवाइड करवाई जाएंगी. खैर सुविधाओं को याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके नियरेस्ट जो भी आपके ATMs अवेलेबल हैं आपके एरिया के वो भी आपको उनके भी डिटेल्स दी जाएगी. सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन मैंने बताया, इसका आंसर ICICI बैंक रहेगा. ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड संदीप बख्शी उसके हेड हैं. हम है ना इसकी टैगलाइन है. इंडिया टू गेट अनइंटरप्टेड LPG सप्लाई फ्रॉम सऊदी अरेबिया. ओके सऊदी अरेबिया से इंडिया को आपका LPG सप्लाई मिलती रहेगी, ऐसा कहा है, अनाउंस किया यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने. सऊदी अरेबिया ने इसकी एश्योरेंस आपकी दी है. इंडिया आपका सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है LPG का दुनिया में. एंड यहाँ पर इसकी आधे से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो आपका कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड कुवैत से आपकी पूरी की जाती है. एंड 2018-19 के डाटा की बात करें तो इंडिया ने 24.9 मिलियन टन LPG आपकी कंज्यूम की थी, जो कि नंबर आपका इंक्रीज हो गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद भी. ओके जिसके तहत आपका फ्री LPG गैस कनेक्शन दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों को. ओके सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, कहाँ से आपका LPG सप्लाई सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है? दैट इज सऊदी अरेबिया. इंडिया कौन से नंबर पे लार्जेस्ट इंपोर्टर है LPG का दुनिया में? सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत. ये आपके सऊदी अरेबिया के अलावा जो अदर कंट्रीज हैं. ओके टोटल कितनी कंजम्पशन हुई थी? 24.9 मिलियन टन कंजम्पशन हुई थी. चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द LPG इन दी वर्ल्ड. ओके है फर्स्ट लार्जेस्ट. ओके सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं पता तो डेफिनेटली जस्ट गूगल कीजिएगा और जानिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव किया है यूज ऑफ दी कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा. ओके कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 टू ट्रीट सीरियसली इल कोविड-19 पेशेंट. सो यहां पर बात की गई है कोविड-19 पेशेंट्स की जो कि आपके रिकवर हो चुके हैं, उनका जो प्लाज्मा है उसको यूज किया जाएगा. उस प्लाज्मा को आपका कुछ एंटीबॉडीज के साथ जो आपके कोविड-19 पेशेंट्स है प्रेजेंटली हैं आपके, उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और इससे आपको एक ट्रीटमेंट उन्होंने एक समझा है, ये एक ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. इस चीज को उन्होंने अप्रूवल दे दिया है. सो द आइडिया मेथड इज टू इंजेक्ट प्लाज्मा विद एंटीबॉडीज इनटू क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम देम टू गेन इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस. इस तरह की चीज पहले भी की जा चुकी है ड्यूरिंग द H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जब आपका आया था एंड द मर्स कोव एपिडेमिक 2012 में, तब भी आपकी यही चीज की गई थी और एक बार फिर से इस चीज को ट्राई करने की बात की जा रही है. ओके सो कलेक्ट किया जाएगा प्लाज्मा कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट से एंड इंजेक्ट किया जाएगा आपका इल पेशेंट ऑफ द कोविड-19. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसने अप्रूवल दिया है? FDA ने अप्रूवल दिया है. किस चीज का अप्रूवल दिया है? कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा जो कि आपका पेशेंट से लिया जाएगा, रिकवर्ड पेशेंट से. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड की है डेडलाइन ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द BS4 टू BS6। ओके, भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 में बहुत बार ये न्यूज आई थी, बहुत बार हमने इन न्यूज को पढ़ा भी है। भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 एक टाइप ऑफ इंडियन है। इंडिया में सभी के सभी जो नए आपके व्हीकल्स थे, 1 अप्रैल से कहा गया था कि जितने भी आपके BS6 स्टैंडर्ड के इंजन्स हैं वो आने चाहिए यहाँ पर, और BS4 के इंजन्स नहीं आने चाहिए। सो इसी के चलते हुए आपका ऑब्वियस है BS6 फ्यूल भी अवेलेबल होना चाहिए। सो यहाँ पर पूरे के पूरे इंडिया में ये कहा गया था 1 अप्रैल से आपका BS6 आपके पेट्रोल आपका अवेलेबल रहेगा, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आपका इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है 10 दिनों के लिए। और इनिशियली ये डेडलाइन आपकी 31 मार्च थी, अब इसको किया गया है 10 दिन के लिए और एक्सेप्ट दी नेशनल कैपिटल रीजन NCR, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन है NCR। और ये उन्होंने कहा है बिकॉज की लॉकडाउन की वजह से उनके पास जो ऑलरेडी BS4 का जो आपका पेट्रोल है एज वेल एज दी जो आपके व्हीकल्स हैं, ये दोनों के दोनों आपके अवेलेबल हैं, दोनों के दोनों आपके उनके पास स्टॉक में बहुत कुछ पड़ा है आपका। ओके, सो दैट्स वाई उन्होंने कहा है कि दे आर 7 लाख अनसोल्ड 2 व्हीलर्स, 12,000 कमर्शियल व्हीकल एंड 15,000 कार्स BS4 स्टैंडर्ड की अभी भी उनके पास स्टॉक में है। तो इसको बेचने के लिए उनको कुछ और समय चाहिए, इसलिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन आपका सुप्रीम कोर्ट में गया था, पहुंचा, और उन्होंने इसके लिए समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने 10 दिन का और समय दे दिया। ये डेडलाइन आपकी 31 मार्च से 10 दिन के लिए और आगे बढ़ाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कॉन्टैक्ट टू कनेक्ट डॉक्टर्स इन इंडिया विद दी एम्स। सो यहाँ पर एम्स, दैट इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं वहां के डॉक्टर से, सो ये एक फैसिलिटी मुहैया करवाई गई है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। द नेम इज द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इसका नाम है। यहाँ पर आपके डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे 24/7 और किसी भी तरह की क्वेरी आपको है, रियल टाइम ट्रीटमेंट आपको लेना है कोविड-19 पेशेंट्स को, सो उसके लिए फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी। सो कॉन्टैक्ट ये टेलीकम्युनिकेशन हब है, 24/7 आपकी काम करेगी, जहां पर आपके स्पेशलिस्ट आपके क्वेरीज के आंसर आपको देंगे। सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टैक्ट आपका किससे रिलेटेड है? एम्स के डॉक्टर से रिलेटेड है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको आपका लॉन्च किया है। सेंटर ने रिलीज किया है 4431 करोड़ टू क्लियर पेंडिंग वेजेस अंडर दी MGNREGA। सो यहाँ पर 4431 करोड़ पेंडिंग वेजेस अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2005, ये आपका किया गया है पेंडिंग वेजेस को क्लियर करने के लिए। जो भी आपकी मनरेगा के तहत 4,431 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, एंड ये आपका पेंडिंग वेजेस एंड कोई भी और पुराने भी जो ड्यूज आपके पेंडिंग है 11,499 करोड़, ये 10 अप्रैल तक आपके सारे के सारा क्लियर कर दिया जाएगा। एंड इससे अभी हाल ही में हमने देखा था MGNREGA के तहत आपका जो नेशनल एवरेज वेज है उसको 182 से 202 रुपए उनकी दिहाड़ी भी कर दी गई है MGNREGA के तहत। नियरली 13.62 करोड़ जॉब होल्डर्स है MGNREGA के तहत, आउट ऑफ विच 8.17 करोड़ आर दी एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स। ओके, सो ये है आपका 4431 करोड़ पेंडिंग वेजेस, ये फिगर। Okay, so this is the figure they can ask you. एक्टिव कितने हैं? 8.17 करोड़ है। Okay, खैर इसका रिजल्ट ऑलरेडी कल देखने को मिला है। Okay, there was lots and lots of crowd, मतलब अनबिलीवेबल क्राउड, ऐसा लगा जैसे डीमोनेटाइजेशन दोबारा आ गया, इस तरह की क्राउड थी। मेरी ब्रांच के प्रीमाइसिस में तो कोशिश की हमने कम अंदर आए, बट बाहर भी हमने बहुत कोशिश की कि लाइन में पूरे गोले बनाकर सब कुछ मेंटेन किया हुआ था, बट स्टिल जो लोग होते हैं नहीं मानते। इट वाज लाइक दी इतना क्राउड जैसे डीमोनेटाइजेशन का सीन हो, लोग अंदर आने को इतने व्याकुल हो रहे थे, और इवन अभी पेमेंट आई भी नहीं है, स्टिल दे वांट कि हमें पैसा दे दो। हमें कहाँ से दो? आपके बैलेंस तो होना चाहिए अकाउंट में। तो पता नहीं जिस दिन बैलेंस आया उस दिन क्या होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब रियल टाइम में नहीं पता लोगों का, अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों में अवेयरनेस है, बट जो गरीब जनता है, जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो चाहे अर्बन पुअर भी हैं, उनको भी नहीं इसके बारे में पता कि आखिरकार क्या चीज़ है कोरोना वायरस। जहाँ बताना चाहिए वहाँ नहीं बताया जा रहा, रूट लेवल पे कोई बात नहीं की जा रही इसके बारे में। ओके हम ही सिर्फ सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, आप फेसबुक पे डालते हो, आप व्हाट्सएप पे डालते हो, आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है? आपकी आवाज़ उन्हीं 10 बंदों में पहुँचती है जिन 10 बंदों का आप जानते हो, ठीक है। आपकी आवाज़ आगे नहीं पहुँचती जिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो लोग फेसबुक नहीं चलाते, वो लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते, वो लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं जिन तक ये आवाज़ पहुंचानी ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ शहरों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, शहरों में लॉकडाउन किया जा रहा है। आप ज़रा जाकर देखिए तो सही, सेमी अर्बन एरिया, जो छोटे टाउन्स हैं या फिर जो आपके रूरल, एक्सट्रीम रूरल एरियाज़, वहाँ पर उनको पता ही नहीं लॉकडाउन क्या होता है, वहाँ पर उनको पता ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। वो स्टिल बैंक में आ रहे हैं और उनको आने दिया जा रहा है। और मतलब कि ये नहीं है कि वो बैंक में ना आए क्योंकि उनको पैसे चाहिए, उनको नहीं कमाई हो रही, मतलब आएंगे, नॉट एन इश्यू, बट स्टिल एक अवेयरनेस होनी चाहिए किस तरह से बैंक में आना चाहिए, किस तरह से आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। दे डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं उनको पता। दिस इज द नीड ऑफ आवर, जो करनी जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल फेल हो रही है। बिकॉज आई नो द प्रैक्टिकल सिचुएशन, बहुत ही बुरी सिचुएशन इस टाइम रूट लेवल पे चल रही है। हाई लेवल कमेटी चेयर्ड बाय द होम मिनिस्टर अप्रूव्स ओवर रुपीज 5751 करोड़ टू 8 स्टेट्स फॉर कैलेमिटी डैमेज रिलीफ। ओके सो यहाँ पर हाई लेवल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द होम मिनिस्टर अमित शाह ने अप्रूव किया है एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड 8 स्टेट्स के लिए। ओके 8 स्टेट्स के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। 5,751 करोड़ रुपीज आपका रिलीज किए जाएंगे, बिकॉज इन 8 स्टेट्स में अभी अफेक्ट हुए थे ड्यू टू फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन और दी ड्रॉट की वजह से वहां पर वो अफेक्ट हुए थे। तो इन 8 स्टेट्स में आपके 5,751 करोड़ रुपीस आपके अप्रूव दिए गए हैं कमेटी के द्वारा, जिसको हेड किया था होम मिनिस्टर अमित शाह ने। सो यहाँ पर आपकी फिगर लिखी हुई है जिन जिन स्टेट्स को कितना कितना पैसा दिया गया है। ओके उम्मीद करता हूँ आप कोशिश कीजिएगा याद करने, अगर होती है वेल एंड गुड है, नहीं याद होती तो फिर आप क्या कह सकता हूँ, अगर किस्मत बुरी है तो डेफिनेटली वो आपका किसी भी स्टेट का अमाउंट पूछ लेंगे, बट इतनी भी बुरी नहीं होनी चाहिए। तो फिर फिलहाल 5751 तो माइंड में रख लीजिएगा। मुंबई मेट्रो लाइन 3 गेट्स दी 2480 करोड़ लोन फ्रॉम दी जीका। ओके जीका है आपकी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा। 2480 करोड़ रुपए का लोन मुंबई मेट्रो लाइन को मिला। ओके मुंबई मेट्रो लाइन आपका डेवलप करने के लिए 2480 करोड़ रुपीस का लोन दिया गया जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा। यस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया है। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम प्रशांत कुमार था, उनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया है आपका यस बैंक का। यस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं प्रशांत कुमार। आरबीआई के द्वारा इनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था, अब एमडी एंड सीईओ बने हैं। एंड इसके अलावा आर गांधी, अनंत गोपाल कृष्ण जो कि आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, एंड अदर मेंबर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें सुनील मेहता आपके शामिल थे, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन महेश कृष्णमूर्ति एंड अदुल बहदास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ओके सो इन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये सभी, एंड दिस इज द प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ, एंड पार्था सेन गुप्ता एंड द स्वामीनाथन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एसबीआई की तरफ से इनको आपका अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। सारे के सारे नाम याद रख लीजिएगा, प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ यस बैंक के, एंड बने हैं आपके यस बैंक के बारे में मुंबई, सीईओ प्रशांत कुमार, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट चलते हैं IIT गांधीनगर। ओके सो ये कंफ्यूज मत होइएगा, पहले आपके एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, अब एमडी एंड सीईओ बने हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट ये अभी आई है, पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे। IIT गांधीनगर लॉन्चेस प्रोजेक्ट इसाक टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द कोरोना लॉकडाउन। ओके कोरोना लॉकडाउन की वजह से आपके जो स्टूडेंट्स की, आपके जो बच्चों की, आपकी अफेक्ट पड़ रहा है उनकी स्टडीज पे। सो इसके लिए आईआईटी गांधीनगर ने एक प्रोजेक्ट इसाक लॉन्च किया है ताकि आपके स्टूडेंट्स को एंगेज किया जा सके कुछ ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में, ताकि उनकी स्किल्स आपकी इंक्रीज हो सके। दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। सो ये आपका इंस्पायर किया गया सर इसाक न्यूटन से ये प्रोजेक्ट है, जो कि आपके सिमिलरली इसी वजह से आपके घर उनको जाना पड़ा था बाय द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ने उनको भेज दिया था जब एक प्लेग हुआ था लंदन में 1665 में। तब ये 22 साल के थे और इन्होंने उसी दौरान लॉकडाउन के दौरान अपने बहुत सी फेमस डिस्कवरीज इन्होंने की थी। बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने बताई थी आपके ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटी से रिलेटेड। सो उसी तर्ज पर आपका प्रोजेक्ट इसाक एक लॉन्च किया गया है। इज अ मॉडल फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड टू एक्सप्लोर वेज टू एंगेज स्टूडेंट्स इन दी दिस मिडस्ट ऑफ द पेंडेमिक। सो दिस इज द प्रोजेक्ट इसाक। किसने किया है? आईआईटी गांधीनगर ने किया। किससे आपका इंस्पायर्ड है? सर इसाक न्यूटन से आपका ये इंस्पायर है प्रोजेक्ट इसाक। In the first, India France conducted the joint patrols from the Reunion Island. सो ये पहली बार हुआ है। इंडिया ऑलरेडी इस तरह के पेट्रोल आपके पेट्रोलिंग करती रहती है, बट ये पेट्रोलिंग करती है जो उनके नेबर्स मैरीटाइम नेबर्स है लाइक द मालदीव, सीशेल्स, मॉरिशियस, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इनके साथ। तो ये इंडिया की पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपकी है, जिसके अकॉर्डिंग ये पेट्रोलिंग करती रहती है। बट यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस के साथ इंडिया ने इस तरह की एक पेट्रोलिंग को कैरी आउट किया है रीयूनियन आइलैंड से। सो इंडिया एंड फ्रांस पहली बार हैव कंडक्टेड दिस ज्वाइंट पेट्रोल फ्रॉम दी रीयूनियन आइलैंड। ऑलरेडी किसके साथ? ये सारी कंट्रीज के साथ। अदर एक्सरसाइज जो इंडिया फ्रांस के बीच में हो चुकी है, शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज गरुड़ा, वरुण नेवल एक्सरसाइज है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, एडवर्ड फिलिपी एंड एमेनुअल मैक्रोन वहां के प्रेसिडेंट हैं। चेन्नई पोर्ट ने एक्वायर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 67% का स्टेक इन द कमराजर पोर्ट फॉर दी 2383 करोड़। सो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने एक्वायर किया है 67% स्टेक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका ऑलरेडी है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इन दी कमराजर पोर्ट लिमिटेड। अमाउंट है 2383 करोड़ की। सो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट केपीएल सीएचपीटी ने केपीएल को खरीदा, 67% स्टेक खरीदा 2383 करोड़ रुपए में। दोनों की दोनों आपके सेपरेट एंटिटीज ही काम करेंगे, एक साथ काम नहीं करेंगी, और इनका वर्क भी अलग अलग है। सीएचपीटी आपका रहेगा कंटेनर्स, कार, लिक्विड कार्गो, क्रूज, पैसेंजर ट्रैफिक से रिलेटेड। केपीएल आपका काम करेगा बल्क, ड्राई एंड द लिक्विड कार्गो से रिलेटेड। सो ये अलग काम है, इनका अलग काम है, ये दोनों अपना अलग अलग काम करते रहेंगे। ये स्टैटिक है दोनों के, दोनों का हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है एंड इसके चेयरपर्सन पी रविंद्रन है एंड इसके सीएमडी सुनील पालीवाल हैं। नवीन चिकारा सस्पेंड किए गए हैं 4 सालों के लिए फॉर दी डॉपिंग वायलेशन। डॉपिंग के आपके इन पे आरोप लगे और इनको 4 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल एथलेटिक्स गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको हम पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जानते थे, इन्होंने नवीन चिकारा जो कि शॉर्टपुट प्लेयर हैं आपके 23 साल के, 4 साल के लिए इनको बैन किया गया है एंड ये आपका इफेक्ट में आएगा 27 जुलाई 2018 से। 4 साल का सस्पेंशन नवीन चिकारा। कौन सा स्पोर्ट? शॉटपुट है आपका। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सेटअप की है टीम 11 टू बीट दी कोरोना वायरस। टीम 11 एक उन्होंने आपकी सेटअप की है जिसमें 2 डजन सीनियर ऑफिशियल्स आपके शामिल रहेंगे और इसको आपका हेड करेंगे वहां के सेक्रेटरीज, आपके सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आपके, एंड ये आपके चीफ ईच कमेटी को आपका हेड करेंगे एंड चीफ मिनिस्टर आपके खुद इस टीम 11 को आपका हेड करेंगे। तो यहाँ पर टीम 11 कहाँ पर बनाई गई है? यूपी में बनाई गई है, उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वयं एक्सेस हैज ट्रिपल्ड। सो ये आपका सिंस लॉकडाउन इस पर्टिकुलर पोर्टल को, इस पर्टिकुलर पोर्टल जो कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आपका, एजुकेशन पोर्टल है, इस पे आपका ट्रैफिक का मतलब है यहाँ पर इस साइट को एक्सेस जो किया गया है वो आपका ट्रिपल हो गया है। मीन्स पहले 1 लोग देखते तो अब 3 लोग देखने लग गए हैं इस वेबसाइट को ट्रिपल। एंड यहाँ पर ये स्वयं जो पोर्टल है इस पे आपके बहुत सारे बोर्ड्स एंड ऑल जुड़े हैं, AICTE, UGC, NCERT टी, ये आपके सारे के सारे यहाँ पर इनके अवेलेबल हैं। इनके द्वारा जो भी आपका चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एंड ऑल, ये काफ़ी चीज़ें आपके अवेलेबल हैं। 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू ओवर 3 करोड़, इसका जो बेसिक एम है। ओके, इसका जो एम है, स्वयं की जो फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, 2014 में लॉन्च किया गया था। सो इसकी बात की गई। स्वयं की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके, स्वयं और के कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर ये काम करता है। अर्थ आवर 2020 28 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार ये 28 मार्च को आया। बेसिकली लास्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है मार्च मंथ के। ओके, और इस दौरान आपका 8:30 से 9:30 बजे आपकी पूरी दुनिया में आपका वर्ल्ड वाइल्ड आपका लाइट्स को स्विच ऑफ किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर मार्च मंथ के लास्ट सैटरडे 28 मार्च को इस बार आया। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसको आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ओके मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज 8:10 पे सभी के सभी लोग आएंगे। सभी के सभी लोग प्लीज रिक्वेस्ट है, जरूर 8:10 पे आइएगा। और आज एक और स्पेशल क्लास होगी रात को 8:10 पे। अभी 8:10 पे एक क्लास है, रात को भी आपकी 8:10 पे एक और क्लास होगी। वो क्लास का टाइटल मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट वो क्लास आज रात को 8:10 पे अनअकैडमी स्पेशल क्लास, अनअकैडमी स्पेशल क्लास आपकी आज रात को 8:10 पे होगी। वो भी जस्ट 15-20 मिनट का सेशन रहेगा। जरूर उस क्लास को अटेंड कीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अभी 8:10 पे है, फिर 8:10 पे एक और आपकी क्लास रहेगी रात को। बार बार बोल रहा हूँ, दोनों क्लासेस लाइव अटेंड कीजिएगा। इतने लोग बाद में रिकॉर्डेड सुनते हैं, उनको भी बता रहा हूँ लाइव अटेंड करना के लिए आ जाए करो क्लास को। ओके, लाइव में एक अलग एक आपको एक्सपीरियंस होता है। ओके, मेरी ही होगी और कौन से पड़ोसी थोड़ी ना लेने आएगा मेरा यार। कमाल करते हो, मेरी ही होगी। चलो क्विकली रिवीजन, फिर 8:10 पे मिलते हैं। अनअकैडमी स्पेशल क्लास अभी है 8:10 पे, अभी है एक रात के 8:10 पे है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया फाइनेंशियल असिस्टेंट $174 मिलियन का 64 कंट्रीज के लिए, जिसमें $2.9 मिलियन इंडिया को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप कोरोना कवच नाम की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, सो दिस इज दी मीति एंड दी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया। एक पर्सन का लोकेशन को मार्क करेगा, जिसके अकॉर्डिंग उनको बताएगा कि आप किस तरह के हाई रिस्क जोन में है या नहीं है। डीआरडीओ ने डेवलप किया एक बॉडी सूट, जिसकी कीमत 7,000 रुपये है, और ये आपका डॉक्टर्स के लिए आपका बनाया गया है कोविड-19 के पेशेंट्स को जो आपका ट्रीट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने रोल आउट किए बैंकिंग सर्विसेज, किस पर? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पर आप हाई लिखिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इंडिया को आपका एलपीजी सप्लाई मिलेगी सऊदी अरेबिया से। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है एलपीजी का। इंडिया में 24.9 मिलियन टन कंज्यूम की गई एलपीजी 2018-19 में। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव किया है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, जो कि आपके पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, उनके प्लाज्मा को एंटीबॉडीज के साथ मिलाकर आपका इंजेक्ट किया जाएगा इल पेशेंट्स में, ताकि उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड की डेडलाइन ट्रांजिशन फ्रॉम द BS4 टू BS6। जो व्हीकल्स आपके अनसोल्ड रह गए हैं, उनके लिए आपका फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन ने आपका सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। उन्होंने 10 दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया कॉन्टैक्ट टू कनेक्ट दी डॉक्टर्स इन इंडिया विद दी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से आपका कनेक्ट करने के लिए वहां के डॉक्टर से 24/7 ये फैसिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कॉन्टैक्ट नाम की लॉन्च की। 4431 करोड़ रुपीज आपके सेंटर क्लियर करेगा आपका पेंडिंग वेजेस एमजीनरेगा के तहत आपका ये वेजेस आपका देगा। 4431 करोड़ टोटल ओवरड्यू जो पहले का ड्यू पड़ा है 11,499 करोड़ रुपीज, वो भी आपका दिया जाएगा। 182 से 202 रुपये अभी हाल ही में इंक्रीज किया गया। एक्टिव आपके जॉब कार्ड होल्डर 8.17 है। हाई लेवल कमेटी चेयर्ड बाय द होम मिनिस्टर अप्रूव ₹5751 करोड़ 8 स्टेट्स को दिया गया 5751 करोड़ रुपीज होम मिनिस्टर के द्वारा। मुंबई मेट्रो लाइन जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा 2480 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत कुमार नेम्ड एज दी एमडी एंड सीईओ यस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओके ये आपके MD&C और इसके अलावा बहुत सारे और भी नाम है। IIT गांधीनगर प्रोजेक्ट इसाक इन्होंने लॉन्च किया, सर इसाक न्यूटन से इंस्पायर होकर प्रोजेक्ट इसाक IIT गांधीनगर। फ्रांस कंडक्ट ज्वाइंट पेट्रोल फ्रॉम रियूनियन आइलैंड, पहली बार फ्रांस के साथ कंडक्ट किया जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे देशों के साथ होता है, जो हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं उन्हीं के साथ होता है, बट ये पहली बार फ्रांस के साथ हुआ। चेन्नई पोर्ट ने आपका ट्रस्ट एक्वायर किया 67% स्टेक, कहां पर? करमजर पोर्ट लिमिटेड में 2383 करोड़ रुपीस में। नवीन चिकारा शॉर्टपुट प्लेयर है, 4 साल के लिए उनको डोपिंग के आरोपों में आपका बैन किया गया है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 आपके सेटअप की कोरोना वायरस से निपटने के लिए, जिन कमेटीज को आपके हेड करेंगे आपके वहां के सीनियर ब्यूरोक्रेट। स्वयं नाम का पोर्टल, इस पे आपका जो ट्रैफिक है वो 3 गुना हो चुका है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, 2014 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अर्थ आवर 2020 28 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके इस बार किया गया, वैसे लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च ऑब्जर्व किया जाता है बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एट दी 8:10। इसी क्लास में MCQ की क्लास में मिलते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे। सभी तुरंत स्विच कीजिए, वहां पर लाइव आना सभी एंड मिलते हैं फिर रात को भी 8:10 पे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।